टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं, ऐसे में यहाँ राजस्थान के भाले से फिर जय हो गूंजने वाला है। ऐसा इसलिए कि चूरू का लाल देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक में तीसरे स्वर्ण पदक के लिए भाला फेंकेगा। साथ ही आपको बता दें कि मरुधरा के इस लाल का ओलंपिक में 30 अगस्त को इवेंट है और इसके लिए देवेंद्र ने पहले दो अन्य गोल्ड मेडल की तरह तीसरे स्वर्ण पदक को अपने नाम करने का टारगेट तय कर रखा है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो फेंककर गोल्डन बॉय बने और भारत की झोली में ओलंपिक एथलेटिक्स इतिहास का पहला स्वर्ण पदक डाला। नीरज चोपड़ा की कामयाबी और उनके अभिनंदन के बीच हम देवेंद्र झांझड़िया की चर्चा नहीं करें तो सब कुछ अधूरा ही रहेगा। जी हाँ, ये है राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ के देवेंद्र झांझड़िया। वैसे तो देवेंद्र पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये वह शख्स हैं जो नीरज चोपड़ा की ही तरह ही भाला फेंकते हैं। देवेंद्र दुनिया में जैवलिन थ्रो के नंबर वन खिलाड़ी हैं। बस फर्क इतना है कि देवेंद्र के एक हाथ नहीं है, इस वजह से वे सामान्य की बजाय पैरा ओलंपिक गेम्स में भाला फेंकते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स की जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में राजस्थान के देवेंद्र झांझड़िया भी मैदान में है। एथेंस और रियो के बाद अब टोक्यो में देवेंद्र की नजर अपने तीसरे ओलंपिक स्वर्ण पदक पर है। देवेंद्र ने एथेंस और रियो में बनाए हैं दो विश्व रिकॉर्ड। देवेंद्र झांझड़िया पैरा ओलंपिक से भारत के लिए दो बार स्वर्ण पदक लाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। 2004 के एथेंस ओलंपिक में 62.15 मीटर भाला फेंक कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। फिर देवेंद्र ने 2016 के रियो ओलंपिक में खुद का एथेंस वाला रिकॉर्ड तोड़ा और 63.97 मीटर के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। 30 अगस्त को देवेंद्र झांझड़िया का इवेंट है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे देवेंद्र भाला लेकर मैदान में उतरेंगे। गुजरात के गांधीनगर में साल भर साई के सेंटर में कठोर अभ्यास किया है, अब उनको 69 मीटर जैवलिन थ्रो कर तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले देवेंद्र झांझड़िया को कई अवार्ड मिले हैं। 3 दिसंबर 2004 में राष्ट्रपति ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 2004 में महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार मिला। 29 अगस्त 2005 में अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए। 2005 में पीसीआई उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरस्कार मिला। 2014 में पद्मश्री और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। 2016 में GQ मैगजीन ने बेस्ट प्लेयर के अवार्ड से नवाजा और 29 अगस्त 2017 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी देवेंद्र सम्मानित हुए। और मैं तैयारी कर रहा था तो एक दिन मेरे मुंह से ऐसे निकला कि मैं दुनिया का चैंपियन बनूंगा। छोटा बच्चा ये बात कहता है तो लोगों ने हंस के ऐसे ही खिल्ली उड़ा दी मेरी। दो तीन ने बोला कि मेहनत करेगा तो क्या नहीं हो सकता। तो मैंने वो एक शुरुआत की थी मेरी लाइफ की। 2002 के अंदर मैंने एशियन पैरा गेम्स के अंदर भारतीय टीम में जगह बनाते हुए पहले ही टूर्नामेंट में मैंने गोल्ड मेडल लिया था। तो प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम में बोला कि इतनी छोटी उम्र में गोल्ड मेडल लिया एशियन गेम में, जरूर ये लड़का एक दिन ओलंपिक में मेडल लेगा। और वो सपना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था जब मैंने एथेंस में पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल ही नहीं नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। राजस्थान के चूरू जिले के देवेंद्र झांझड़िया जैवलिन थ्रो में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं। हमें गर्व है कि उन्होंने 19 साल से टीम इंडिया के लिए खेलते हुए अधिकांश मुकाबलों में जश्न का मौका दिया है। अब हिंदुस्तान को उम्मीद है कि देवेंद्र झांझड़िया टोक्यो से भी स्वर्ण पदक लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम लिखकर गोल्ड बॉय बनेंगे। A1 TV के लिए जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।